Tipo, vai, jedna. तकरीबन 8000 फीट इसकी हाइट है और उस साइड पे जो है इंडियन बॉर्डर भी देखते हैं, जम्मू कश्मीर उस साइड पे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस इस साइड पे जो है निज़ागिरी का खूबसूरत व्यू। और जिस जगह पे मैं कैप्चर कर रहा हूँ ये एक खूबसूरत मंज़र है यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। रहमतुल्लाहि व बरकात, आप सबको ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। और कश्मीर के एक खूबसूरत वादी में आप सबको वेलकम करते हैं। ये ज़िला बाग का एक खूबसूरत गांव है जिसका नाम है ख्वाजा रतनोई गांव है। और मौसम आज काफ़ी खुशगवार, रात को बारिश हुई है और दिन को अभी धूप निकली हुई है। इस तरफ एक खूबसूरत जंगल है और इस तरफ जो है ये नीचे आबादी है और एक खूबसूरत व्यू बना हुआ है। और इस राइट साइड पे नेजा गली और गंगा चोटी आगे सीधा रास्ता जाता है और यहाँ पे जो नेजा गली है उसे आप देखें, ये आसमान पे बादलों का नज़ारा और इस साइड पे भी आप देखिए बारिश का भी चांसेस है कि बारिश हो जाए और रात को भी बारिश हुई है, तो सुबह भी थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसके बाद फिर धूप और इसके बाद बादलों का ये मंज़र आपके सामने है। इसीलिए तो कहते हैं कश्मीर जन्नत का एक टुकड़ा, और इस टुकड़े का एक पार्ट जो है वो आपकी नज़रों के सामने है। और ये एक खूबसूरत गांव है रतनोई, जो बाग से तकरीबन 20 मिनट के मुसाफियात पे वाक़ है। ये देखिए ब्यूटी ऑफ नेचर, और आज मौसम काफ़ी खुशगवार लग रहा है क्योंकि बारिश भी हुई है कल और अभी धूप का समा है। और इस साइड पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा पत्थर यहाँ पे, और इस पे काफ़ी खूबसूरत जगह बनी हुई है जहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं, या कि गांव के लोग इस मान ले के और अपना टाइम जो है यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए आके बैठ जाते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ये देखिए आप, और इस साइड पे जो है लेफ्ट पे यहाँ पे एक नाला बहता है जो सालों साल 24 आवर्स इसमें पानी बहता रहता है। आई होप आप हमारी इस जर्नी को अप्रिशिएट कर रहे होंगे।
दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के खूबसूरत नज़ारे आपके सामने हम पेश कर रखें।